हे गाइस, व्हाट्स अप। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पिछले वीडियोस के ही क्रम में इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए, इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी के जो शुरुआती दिन थे उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी। इस और ये जो ग्राम थे ये स्वावलंबी थे। स्वावलंबी होने का मतलब ये था कि ये आत्मनिर्भर थे। किस में? अपने सारा जो प्रोडक्शन था ये स्वशासी थे। अपनी आवश्यकता अनुसार सारा प्रोडक्शन ये खुद ही अपने गांव में ही कर लेते थे। बाहर इनको, जो बाहर जो भी सरकार होती थी स्टेट में, उसका इनको सिर्फ टैक्स देना होता था। उसके अलावा इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। ये अपने ही दुनिया में मस्त रहते थे। बाहर की दुनिया से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक कहावत भी है ना, कोई रिपू हो हमें क्या हानि, यानी कि कोई भी किंग हो इनको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। किंग चेंज होते रहते थे लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसी तरीके से चलती रहती थी। तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उसमें एशियाई समाजों की इस विशेषता को क्या कहा जाता था कि यह नश्वर संसार में भी अनश्वर है। ठीक है, ये एक एक क्रम में चलती रहती है। बाहर की चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर क्या था कि भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी उसकी विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई थी। जैसे कि रेशमी कपड़ा, ये होता था आगरा, लाहौर और मुर्शिदाबाद में रेशमी कपड़ा। उसके अलावा होते थे ऊनी शॉल। कहाँ पे? सबको पता है कश्मीर में होते थे ऊनी शॉल। इसके अलावा ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का सूती कपड़ा, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी विदेशों में। सोने चांदी के आभूषण, धातु का सामान, लोहा गलाया जाता था। ठीक है, सोने चांदी के आभूषण यहाँ पे बनते थे। हथियार, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी विदेशों में, और बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वो यहाँ से खरीद के ले जाते थे और हमको क्या देके जाते थे? पैसे। और हमारा देश क्या कहलाता था? इतना समृद्ध था कि सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो क्या हुआ? बहुत सारे छोटे छोटे राजा जो है वो उन्होंने अपने अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लिए। वो आपस में क्या करते रहते थे? युद्ध करते रहते थे। और भारतीय राजाओं के इन आपसी युद्धों से क्या होता था, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो आर्थिक कार्यकलाप थे, उन पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता था। और इन व्यापारिक युद्धों से लाभ उठाकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसको जीत लिया। उसके बाद में बक्सर के युद्ध को जीत लिया। और न केवल वो भारतीय इकोनॉमी की बल्कि भारतीय आर्थिक प्रशासनिक राजनीतिक नीतियों में भी उसकी भी जो है वो ओनर बन गई, उसकी स्वामिनी बन गई। और इन नीतियों में वो अपने स्वार्थ के अनुसार उसने परिवर्तन किया और पूरा तहस नहस कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। अंग्रेज़ों द्वारा जो आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को लागू किया जाता था उसके दौरान सदैव वो क्या याद रखते थे? अपने साम्राज्यवाद के लक्ष्यों को। वो कभी भी यहाँ पे जो यहाँ के जो, जैसे देखिए अब तक क्या हुआ था, जो भी आउटसाइडर्स आए थे इंडिया में वो इंडिया के ही होकर रह गए। उनको इंडिया ने अपना लिया और इंडिया ने उनको अपना लिया। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हमेशा अपने जो साम्राज्यवादी लक्ष्य और मुनाफा था ना, उसको हमेशा अपनी आँखों के सामने रखते थे। विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण करना, इस सबको वो ध्यान में रखते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ की जो, इसकी जो तह है उस तक जा सकते हैं जॉन सुलविन के स्टेटमेंट से। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी प्रणाली, कौन सी प्रणाली? इस कंपनी की प्रणाली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रणाली, एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है और फिर उसे टेम्स के किनारे पर जोड़ देती है, निचोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि गंगा किनारे की हर अच्छी वस्तु को यहाँ से उठाकर टेम्स के, यहाँ से सारा कुछ अच्छा अच्छा सामान ले जाकर, टेम्स कहाँ पे है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक नदी है बहुत, जैसे हमारे गंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो ब्रिटेन में टेम्स नाम की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो यहाँ से सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाकर वो टेम्स के किनारे यानी इंग्लैंड में ले जाके वहाँ पे निचोड़ देते हैं। सारा अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे ले, यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पे उसको यूटिलाइज करते हैं और हमारे देश को खोखला करे दे रहे हैं। अब ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम तीन चरणों में बांट के आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, यानी कि
1757 से 1813 तक इन्होंने ना जैसे जैसे आगे ये बढ़ते गए, स्टार्टिंग में इनकी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे तो इन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई, फिर धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते गए। उसके बाद में औद्योगिक पूंजीवादी चरण जिसको हम 1813 से लेकर 1858 तक मानते हैं, और वित्तीय पूंजीवादी चरण यानी 1858 के बाद का। क्या होता है उपनिवेशवाद, क्या होता है, एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न किया जाता है। उनको कोई मतलब नहीं होता, उपनिवेशों के साथ में उनको ना कोई सिंपैथी होती है ना कोई लगाव होता है, और आर्थिक लाभ के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, विदेशी जनसंख्या को विदेशी भूमि पर बसाते हैं। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो उसने उपनिवेशी व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, और भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश इसी व्यवस्था के फलस्वरूप बना था। भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण इंग्लैंड के आर्थिक ढांचे से प्रभावित होते रहे, और प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते रहते थे। तो ये तीन चरण को हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले है वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, जो कि होगा 1757 से लेकर 1813 तक, कमर्शियल कैपिटलिज्म फेज। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था भारत से अधिकतम भू राजस्व की वसूली, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। देखो उल्टी गंगा ये लोग बहाते हैं, भारत जो प्रोडक्शन में नंबर वन था उसको क्या करना है, इसको रॉ मटेरियल का जो है प्रोडक्शन यहाँ पे करवाना है, और खुद के जो कारखानों से तैयार माल था वो यहाँ बेचना चाहते थे। पहले खरीदने आए थे, अब भारत को ही एक मार्केट बनाना चाहते थे। और ये जो ब्रिटिश उद्योगपति थे इन्होंने भारतीय श्रमिकों का शोषण भी प्रारंभ कर दिया। तो ये सब थे इनके उद्देश्य। भारत से अधिकतम पूंजी, सबसे ज़्यादा पूंजी एकत्रित करना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, कम कीमत पर खरीदना और यूरोप में अधिक कीमत पर बेचकर व्यापार से मुनाफा कमाना। इन्होंने क्या किया था, भारत में न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, यातायात, संचार, इसमें कोई भी मौलिक परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक ये पूरा जो है अपने स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। वो यहाँ पे कोई भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, परिवर्तन ये वही करते थे जिससे इनको फायदा होने वाला है। ये वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण की बात है, स्टार्टिंग की 1757 से लेके 1813 की बात है ये। सॉरी, इसने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, कम से कम कीमत पर चीज़ों को खरीदते थे और यूरोप में भारी कीमत पर बेचकर अधिकाधिक लाभ ये कमाना चाहते थे, और भारत में जो व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार ये स्थापित करना चाहते थे। ये थे इनके लक्ष्य। और इस सब का जो प्रभाव भारत पे पड़ा वो क्या पड़ा, क्या हुआ कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पे हो गया इनका राजनीतिक नियंत्रण, और भारतीय व्यापार और उत्पादन पर इन्होंने एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके अलावा इस कंपनी ने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त जो राजस्व था ना, जो टैक्स ये वसूलते थे किसानों से, और जो है उसका भी ये लोग यूज़ करने लगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। और अपनी जो अब ये इनको राजनीतिक शक्ति मिल गई थी, तो बंगाल पर जो राजनीतिक शक्ति मिली थी उससे इन्होंने भारतीय व्यापार और उत्पादन पर पूरा एकाधिकार स्थापित कर लिया। बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें लाद दी, क्योंकि बंगाल के जो प्रोडक्ट्स थे बुनकरों के वो वर्ल्ड फेमस थे, तो उनको इन्होंने इस तरह से बर्बाद कर दिया कि मतलब घाटे पे बेचने के लिए उनको बाध्य कर दिया। और इस कंपनी ने भारतीय या विदेशी जो प्रतिबंधी व्यापारी थे उनको दौड़ से बाहर कर दिया, जो भी फ्रांसीसीज वगैरह डच वगैरह थे, और बंगाल के दस्तकारों को अधिक मजदूरी या दाम देने से रोक दिया। इन्होंने कहा जो भी हम डिसाइड करेंगे कीमतें उस पर तुमको बेचना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, भारतीय शिल्प का पतन हो जाता है, भारतीय बुनकर है बुनकर व्यवस्था का पतन हो जाता है, और इसके अलावा अब क्या होता है, राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत रह जाता है कृषि। ठीक है, अब शिल्पकारों का पतन होने के बाद में वो कृषि की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह जाता है, और देश की अधिकांश जनसंख्या क्या हो जाती है, कृषि पर निर्भर रह जाती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। लगान हर वर्ष लगान बढ़ाते थे ये लोग, और उसको बेरहमी से वसूल करते थे, ये इनकी आर्थिक नीति का लक्ष्य था। और भारत से धन का एक तरफा बहिर्गमन इंग्लैंड को होता रहा, जिससे क्या हुआ, इंग्लैंड की पूंजी में तो वृद्धि हुई, और इंग्लैंड में क्या आ गई, औद्योगिक क्रांति, उनको तो लगातार पैसा मिल रहा है। और भारत में क्या हो रहा है, भारत के जो कुटीर उद्योग थे और भारत का जो समृद्ध व्यापार था उसको गहरा धक्का लगता है,
और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 1765 से लेके 1771 के बीच में बंगाल का राजस्व का जो अधिशेष 40 लाख पौंड था, 40 लाख पौंड बंगाल का जो राजस्व था उसको पूरा अंग्रेजों ने हड़प लिया। सोचिए, इतना जो मतलब समृद्ध व्यापार था उसको पूरा अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। एडम स्मिथ जो थे ना, हमने एडम स्मिथ के बारे में पता किया है ना, हमने पढ़ा है ना उनके बारे में पहले वीडियोस में, उन्होंने पता है क्या कहा था इसको, उन्होंने कहा था इसको लूट, और इस अधिकरण को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कहा भारत में लुटेरों की नियुक्ति करने वाला अधिकरण। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना स्वार्थपूर्ण नीतियाँ अपनाई थी इंडिया में। इसके बाद में नेक्स्ट जो चरण था वो 1813 से लेके 1858 के बीच में था, औद्योगिक पूंजीवादी चरण, यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फेज। क्या हुआ था, ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी उसने उसकी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल के रख दिया। जो भारतीय हस्तशिल्प था उसको असली धक्का लगा 1813 के चार्टर के बाद। इससे क्या हुआ, उसके हाथों से न केवल विदेशी बाजार छिन गया, अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी ना कि भारत जो है विदेशों के साथ में व्यापार नहीं कर सके, केवल हमारे साथ करें और हमसे तैयार किया हुआ माल खरीदे, ये तो था ही। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जो व्यापारी थे उनसे उनका खुद का मार्केट भी छिन गया, स्वयं भारतीय बाजार भी छीन लिया। और इस ये जो 1813 का चार्टर था इसके अनुसार भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोलकर रख दिया गया। मुक्त व्यापार करना चाहते थे ना ये लोग, और कंपनी का जो व्यापारी एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब कोई भी यूरोपियन आके इंडिया में ट्रेड कर सकता था। अब ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या रह गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण, अधिक से अधिक राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना, ताकि इंग्लैंड में जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उसके उत्पादों को बेचना आसान हो जाए। 18वीं-19वीं सदी में क्या था, कुछ दशकों में ही ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक रूपांतरण प्रारंभ हुआ था। वहाँ पे क्या आई थी, आधुनिक मशीनें, कारखाना प्रणाली, पूंजीवाद, तो वहाँ पे उद्योगों का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ और उनके उनका बहुत ज़्यादा विकास हो गया। युद्धों और उपनिवेशवाद के द्वारा जो ब्रिटेन ने अनेक विदेशी बाजारों पे, हमने पढ़ा था ना, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैनेडा, चीन, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, सब पर इन्होंने जो है अधिकार कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे विकास हुआ बहुत ज़्यादा। और ये बात, सूती वस्त्र जो उद्योग था भारत का खास तौर पर, वहाँ वो ब्रिटिश की जो औद्योगिक क्रांति का प्रमुख वाहक बन गया। भारत का सूती वस्त्र उद्योग यहाँ से ले जाते थे वो कपास ढो ढो के। ब्रिटेन ने अब तक व्यापार की एक औपनिवेशिक प्रणाली स्थापित कर ली, ठीक है। इससे, इस सब चीज़ों से औद्योगिक जो क्रांति थी उसको बहुत ज़्यादा बल मिला। उपनिवेश और अल्पविकसित जो देश थे, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, लैटिन अमेरिका, कनाडा, चाइना, इंडिया, ये जो देश थे ये ब्रिटेन को उसके कारखानों के लिए, उसके खदानों के लिए कच्चे माल का निर्यात करने लगे। यानी उनका इकोनॉमी तो हो गया पूरी तरह तबाह, उनका प्रोडक्शन हो गया पूरी तरह ख़त्म, और ब्रिटेन उन्हें अपने कारखानों में तैयार माल अब बेचने के लिए स्टार्टिंग उसने कर दी। तो ये होता है औद्योगिक पूंजीवादी चरण के मुख्य लक्ष्य क्या थे। इसके प्रमुख लक्ष्य थे ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल और ब्रिटेन के कारखानों में काम करने वालों के लिए खाद्यान्नों की प्राप्ति करना, और ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं का के लिए भारत का एक बाजार के रूप में उपयोग करना। यानी कि भारत से जो प्रोडक्शन होता था उसको पहले ख़त्म किया, और फिर वहाँ पे जो बम्पर प्रोडक्शन, लो क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा था उसके लिए भारत को, मतलब भारत के लोग खरीदो तुम्हारा लो क्वालिटी प्रोडक्शन, और अपना हाई क्वालिटी चीज़ों को जो है वो पूरा उसका प्रोडक्शन उन्होंने बर्बाद करवा दिया। भारत में प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप करते थे वो लोग, और उनकी रुचि से ब्रिटिश उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे जो इंडियन जो बाजार था, इंडियन जो मार्केट था उसको। आरसी दत्ता ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से लेके कमेटी के प्रयास का उद्देश्य जो था वो ये पता लगाना था कि उनकी, यानी कि भारतीय कारखानेदारों की जगह पर ब्रिटिश कारखानेदारों को कैसे लाया जाए, और भारतीय उद्योगों की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। हर वक्त उनकी कोशिश यही थी। औद्योगिक पूंजीवादी चरण के प्रभाव क्या पड़े,
इसके ये प्रभाव पड़े सीधे सीधे हम जो देख ही रहे हैं कि कुटीर उद्योगों का पूरी तरह से पतन हो गया, कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए मजबूर किया गया भारतीय उनको किसानों को नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी, इसकी कृषि के लिए कृषकों को मजबूर किया गया। ठीक है, ब्रिटिश मजदूरों के लिए यहाँ से खाद्यान्न का निर्यात होता था। इससे भारत में क्या हुआ, भारत में अकाल की और दुर्भिक्ष की बारंबारता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यूरोप से आयातित जो कलाईदार बर्तन और एल्यूमिनियम का सामान था वो अब इंडिया में आने लगा, उसका प्रयोग, वो सस्ता था, उसका प्रयोग भारत में बढ़ गया। इससे भारत के जो पीतल और तांबा उद्योग थे वो पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में रेल संपर्क हो गया, उसके कारण क्या हुआ, सस्ता विदेशी इस्पात और लोहा वो भारत में पहुंचने लगा। इससे क्या हुआ, लोहा गलाने वाले जो देशी उद्योग थे वो वस्तुतः समाप्त पूरी तरह से हो गए। इस तरह गांव, शहर दोनों जगह रहने वाले जो शिल्पी, कारीगर, बुनकर, लोहार थे उनके व्यवसाय बेकार और नष्ट हो गए और उनके लिए एकमात्र विकल्प अब बचा था खेती। खेती के केवल एकमात्र विकल्प बचने से क्या हो गया, अब पूरा जो प्रेशर था वो खेती पे पड़ गया, यानी कि जो इंडियन जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई और कृषि के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया। कुल मिला के क्या होता है कि भारतीय व्यापार और उद्योग धंधों का विनाश हो जाता है। ब्रिटिश कपड़ों के उत्पादक जो होते हैं वो देशी विदेशी कपड़ों से मतलब पूरे देश को विदेशी कपड़ों से पाट देते हैं, भर देते हैं और भारत के लिए बचता है गरीबी, बीमारी और भुखमरी। अब नेक्स्ट आता है 1858 के बाद में वित्तीय पूंजीवादी चरण। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और औपनिवेशिक बाजार जो थे उसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी, मतलब कि सारा पैसा वहाँ पे जा रहा था ब्रिटेन में। तो क्या हुआ, वहाँ के उद्योगपतियों की संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब इससे क्या होता है, समाज में दो वर्ग पैदा हो जाते हैं, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। अब ये जो पूंजीपति वर्ग है ये करेगा मजदूर वर्ग का शोषण। अब इस बढ़ती पूंजी से उद्योगपतियों की संपत्ति में जो वृद्धि हुई थी और जो मजदूर वर्ग था वो ये देखता था इस चीज़ को, तो क्या हुआ, वो लोग एकत्रित होने के लिए प्रेरित हुए और मजदूरों की शक्ति बढ़ने लगी। अब मजदूरों की इस बढ़ती हुई शक्ति से जो उद्योगपति थे वो बहुत ज़्यादा आशंकित होने लग गए। यूरोप के जो पूंजीपति थे वो ये मानने लग गए कि अब मजदूरों की जो सौदेबाजी की क्षमता है ना, अपने मतलब मजदूर अपने बारे में सोचने लगे और अपने शोषण से वो उसके विरुद्ध जो है रिबेलियन कर सकते हैं। तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव था वो पूंजीपतियों पर पड़ता। अभी क्या होता है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की बुक आती है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इससे क्या होता है, जो मजदूर थे उनको क्या मिलती है, मोटिवेशन। ये था बाह्य कारण किसका, 1857 के रिबेलियन का। और इसके बाद में ये 1858 की बात है ना, ये सब किससे प्रभावित था, 1857 के रिबेलियन ने जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उसको हिला के रख दिया था। इसके आंतरिक कारण क्या थे, जो बहुत ज़्यादा उत्पीड़क लगान व्यवस्था थी कंपनी की, भारतीय रियासतों का जो जबरन, ये जो नीतियाँ हमने अभी सब पढ़ी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ये सब, उससे भारतीय रियासतों का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय करना, ब्रिटिश उपनिवेशवादी विस्तार की नीति और भारतीय उद्योग पद का पतन हो चुका था। भारत की जनता गरीबी और भुखमरी की तरफ जो है वो उसको डाल दिया गया था। तो इस सबसे क्या हुआ था, 1857 का रिबेलियन। तो 1858 में इनकी नई नीति आई। ठीक है, इस चरण के लक्ष्य क्या थे, जो मुनाफा तो बढ़ ही चुका था तो ब्रिटिश पूंजी का निवेश करना था, भारत पर पकड़ मजबूत करनी थी इनको। और इन्होंने क्या किया था, ये जो पूंजी का निवेश भी करते थे ना रेल, संचार, इस सब में, तो वो लायबिलिटी किस पर डालते थे, इंडियन जो जनता थी उसके ऊपर। बैंकिंग व्यवस्था का इन्होंने विकास करा था लेकिन सारे मुख्यालय भारत से बाहर रखे थे, मतलब कितना ये लोग वो करते थे। होता क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 में इन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिखाया तो ये कि हम तुम्हारी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये कर क्या रहे थे, एक्चुअली ये भारत के लिए कुछ भी, भारत की वेलफेयर से के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इनकी असलियत ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुचित और अत्यधिक दोहन करके ये इसको बेचते थे ब्रिटेन में, अपनी सैलरीज भी इंडिया से ले रहे हैं और इंडिया का जो भी अधिशेष है व्यापार का
जो भी प्रोडक्शन है सारा कुछ वो लेके जा रहे हैं और अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं। अपने इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था उसके लिए यहाँ से रॉ मटेरियल ये लोग लेके जा रहे हैं। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण क्या हो गया, बहुत ज़्यादा निर्बल हो गया। भारत से सारा पैसा ब्रिटेन में जा रहा था और भारतीय संसाधनों से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश सामाजिक हितों की पूर्ति की जा रही थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये इस प्रगति में क्या हुआ, टकराव हुआ और 1857 का रिपेलियन हुआ और 1858 के बाद में इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को क्या कर दी, हाथी का दांत खाने की ओर और दिखाने के ओर। मतलब कि कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं लेकिन वो अपने खुद के स्वार्थों के लिए कर रहे थे। सो गाइस, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सिस्टम होगा। सो कीप इन टच, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको जो है वो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी क्वेरीज होती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।